आज हम यहाँ पे फैसलाबाद में जेल रोड अकबराबाद कॉलोनी जो मसीह की कॉलोनी है वहाँ पे बिल्कुल एहतजाज करके ये देख सकते हैं आप हमारी खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे मसीही लोग जिनको यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के पुलिस अफसरान ने अपनी क्यादत में गुंडागर्दी करते हुए घरों से महरूम कर दिया, बेघर कर दिया, बेछत कर दिया। और जो उनकी कानूनी मौजूदा हुक्मरानों की जो कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को अकलियतों को खुसूसी तौर पे आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अकलियतों का तहफ़ करते या आवाम का तहफ़ करते, यहाँ पे हमारे घरों के छतों को छीना गया। आपने देखा कि किस तरह ये हमारे बेचारे लोगों ने कीमत देकर 1960 से इन्होंने पैसे दे के यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल इन्होंने तकरीबन 80-90% कीमत जो है राजा रियाज और उसका भाई राजा फजलेबास उनको अदा कर दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पैसे रिसीव करके उन्होंने धोखे से, धांधली से और पुलिस के साथ सासपास हो गए, क्योंकि यहाँ पे जमीनें महंगी हो चुकी हैं, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा हो चुकी है। इसलिए उन्होंने हमेशा हमारे लोगों को दबाव में ला के यहाँ सरमाए के लालच में, हालांकि ये लोग उनके वोटर हैं, उनको वोट देते हैं, लेकिन सरमाए के लालच में उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। मैं समझता हूँ मैं हुकूमत से मुखातब हूँ, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से, वज़ीर-ए-आज़म से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि आप हमारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आए, वरना आप दुनिया में क्या दिखाएंगे, अपना चेहरा क्या दिखाएंगे। कभी भी आप हमेशा नाकाम हुए हैं हमारे, चाहे वो सानहा जड़ावाला हो या वो सानहा अकबराबाद हो, जब भी हुकूमत की हमें जरूरत होती है हुकूमत पुश्त करके दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। मैं समझता हूँ हम अकलियत हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इस धरती के वारस हैं, लेकिन आप हमें रियासत हमारे साथ सुतेले बच्चों जैसा सलूक ना करें और हमें हमारे ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ।